हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज समीर एंड यू आर वाचिंग एमएसके व्लॉग्स। सो गाइस ये है अभी अलबेग गोट फार्म का दूसरा लॉट जिसमें हम लोग आपको दिखाने वाले हैं अंडुल बकरे। और आइए जानेंगे, टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए बात करेंगे अहमद भाई से, आरिफ भाई से। पीछे बहुत सारे कस्टमर भी यहाँ पे आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एडवर्टाइजिंग बहुत अच्छी हो चुकी है। पहले थी, मार्केटिंग हो गई थी ना, तो थोड़ा सा लाउडली बोलना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी की भी आवाज़ है, लोगों की भी आवाज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह जमीर भाई, क्या हुआ कि पब्लिक को पहले से ही मालूम पड़ गया था कि हम लोग बॉम्बे आने वाले हैं, पहले से वीडियो में हमने बताया था, तो उससे मार्केटिंग हो गई थी हमारी, पब्लिक को मालूम था, पांडे की थी पब्लिक हमसे, तो अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक तो शुरू दिन से ही काफ़ी आ रही है, पहले दिन से ही आपके पास वॉकिंग से ना। ठीक है, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं आपके बकरों, ये अंडुल कलेक्शन के बारे में कुछ जानकारी लेंगे, लोगों को कुछ शेयर करेंगे इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये कौन सी ब्रीड में देख रहे हैं अपन, जो बकरे देख रहे हैं? मालवा। ये मालवा है जी, ये मालवा में अंडुल है मेरे पास, थर्ड हाइट का, 36 हाइट है इसकी पास, 36 जी, और 120 किलो पे है, 120 केजी जी ये बकरा देखिए यार, माशाल्लाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया माशाल्लाह। और ये कोटा है मेरा, इधर लाओ वो आगे लाओ ना, ये कोटा को आगे लाओ, ये मेरा कोटा है, इसको कजला बोलते हैं, ये भी 36 हाइट पे ही है, ये बहुत खूबसूरत जानवर है। और ये 130 वेट पे है, 130 जी, इसको सामने से सीना देखो, अरे वाह, 130 केजी पर है जी। ये कितने दांतों पर है ये सारे बकरे हम लोग जो अभी देख रहे हैं? अभी नहीं, ये अभी 6 दांत पे था, लेकिन लास्ट में 8 दांत कर लिए, मतलब ज्यादातर बकरे जो अपन ने रखे हैं भराई पर भी वो 6 दांत के ही बकरे हैं, 6 दांत, 4 दांत, 6 दांत के रखते हैं। मैं समझता था कि 8 दांत बकरे होते हैं जो 8 दांत पे स्टार्ट करते हैं, बाकी 6 दांत से चालू, 6 दांत से शुरू कर डालते हैं हम लोग, माशाल्लाह। अब हम लोग कौन सा बकरा देखने वाले? टोटल अपन ने 5 बकरे निकाले थे भारे ना, ये भी सब कोटा है मेरे पास, ये सब कोटे ना, ये जो वही है 135 केजी पे है, ये 130 केजी पे है, वो 130 केजी पे है। अच्छा, इसमें से कोई बकरा जो है सेल हो चुका है क्या? जी ये बकरा मेरा सेल हो चुका है, यहीं के हमारे सऊद भाई हैं, ओके, मुंबई ले चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये सेल आउट हो चुका है, ये सेल आउट हो चुका है, पैर पुर्जे उसके क्या है माशाल्लाह, एकदम बोलते ना बेहतरीन, क्या बोलते हैं सलीम भाई, आज तुम भी मेरे साथ में, वालेकुम सलाम भाई, अलबैक जो नाम सुने थे ना, सच में अलबैक है, अलबैक है। काफ़ी अच्छा कलेक्शन है अलबैक का, ये तो कुछ एक 5-1 बकरे निकाले थे हम लोग ने, अंदर और भी बकरे हैं, अरे भाई हम लोग अंदर चलते हैं, काफ़ी बकरे हैं मेरे पास कोटा में भी, अल्हम्दुलिल्लाह 20 बकरे हैं, हम लोग अभी अंदर जाके दिखाएंगे क्योंकि बाहर काफ़ी लोग जमा हो गए, अपन अंदर की तरफ जाएंगे और अपन दिखाएंगे बकरों को, चलो अंदर चलते हैं। माशाल्लाह, मेरे को ना ये बकरा जैसे स्टाइल में चलते ना टेढ़ा भागते बकरे, जो ऐसे बकरे बहुत पसंद है यार, खाली नाम से जो ख्वाहिश ना दिल में, हाँ वो दी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बढ़िया माशाल्लाह, लाइट यहाँ पे थोड़ी कम है लेकिन बकरे माशाल्लाह, ये खस्सी है, काफी लोग यहाँ पर है, तो हम लोग आपको छोटा सा अंडुल बकरों का एक, आमिर भाई इसको खड़े करो ना, ये चिल्ला रहा है, ये ही है यहाँ पे लाउड स्पीकर है ना, बकरों की क्वालिटी क्या है यार सलीम भाई, है ना, बेहतरीन है माशाल्लाह। एक दो बकरे 100-110 किलो का बना के ना अपने आप को बहुत शाने समझते हैं, हमारी औकात ना अब पता चली, पता चली है। अपने फार्म अपनी जगह पे से कितने कितने किलो का बकरा हैवीएस्ट निकला है? अपने जगह से 110 किलो का हैवी निकला और उसमें हम लोग ना अपने आप को अभी तो अभी तोप समझ रहे थे, खड़ा है 93 पे कोटा, यूनिक कोटा, माशाल्लाह।
तो 110 किलो का बकरा तैयार करने के बाद भी आ रहे बहुत शाने समझते थे कंगी सब कंगी ना ये ना वो लगा लगा पता चला हमारे आज क्या अपनी औकात है वो मालूम पड़ रही है बहुत बढ़िया। नहीं नहीं आमिर भाई यूट्यूब गाइडलाइन में इतना मगजमारी है बाबा एक से एक बकरा। अरे वो मालवा क्या है यार बाप रे बाप देखो ना उधर बनाओ कहाँ है वो कहाँ है वो मालवा बरबरा क्रॉस दिखता है वो तो माशाल्लाह बहुत बढ़िया तारिफ भाई। इसमें अपने पास अंडुल लॉट कितना है अंडुल बकरों का लॉट कितना है 20 बकरे लाया हूँ टोटल में पूरे 20 बकरे लाया और अल्हम्दुलिल्लाह सब भराई पर है कि दो तीन सेल्फ फीडिंग पे भी है कौन से सेल्फ फीडिंग पे वो सेल्फ फीडिंग पे है ये वाला पिंक ये पिंक वाला ब्लैक एंड व्हाइट वाला सेल्फ फीडिंग पे है और एक वो व्हाइट वाला सेल्फ फीडिंग पे वो व्हाइट भी सेल्फ फीडिंग पर है सेल्फ फीडिंग मतलब 20 बकरों में से 3-4 बकरे आपके सेल्फ फीडिंग पे है बाकी सारे भराई पर है और सबका मेरे को एक अंदाजा वेट बता दीजिए ना मेरे पास देखिए जैसे कि ये बकरा है 90 kg का ये बकरा है 85 kg का ये 85 kg का है ये 90 kg का है बाकी सब इससे ऊपर है बाकी सब 100 एंड अबव ही है ना 100 एंड माशाल्लाह बहुत बढ़िया। और ये वाला जो बकरा है ये सोल्ड आउट हो गया हरी भाई मतलब क्या मैं बोलूं 110 किलो का बकरा इन्होंने तैयार किया है बोलते आज अपनी औकात मालूम पड़ गई अभी आप 200 किलो वाला भी देखेंगे अपनी आंखों से अल्हम्दुलिल्लाह एक इसको इसको खड़ा कीजिए ना बहुत बढ़िया माशाल्लाह ये सोजा देना ये सोजा का अंडुल है ये 43 हाइट पे है 120 किलो पे है 43 हाइट 120 किलो बेहतरीन बहुत माशाल्लाह। ये अपना काटा है ये अभी वर्किंग कंडीशन में नहीं है लेकिन ये चालू हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। तो टोटल 20 बकरे हम लोग ने लाए अगर ये बकरे सोल्ड आउट हो जाते हैं तो इसके बाद और प्लानिंग है बकरे को और ये भी मेरे फार्म पे हो रहे हैं आंडू कोटा मेरे पास कितने हैं 25 हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह 25 है तो अभी जैसे ये लॉट निकल जाएगा वैसे दूसरा लॉट आ जाएगा इंशाल्लाह लेके है ना ठीक है। तो आरिफ भाई ये वीडियो को अपन क्लोज करते हैं काफ़ी कस्टमर है मैं लोगों को पीछे दिखा दूँ ये देखिए काफ़ी लोग जमा हो चुके हैं कस्टमर है तो इनको वहाँ पर भी टाइम देना ठीक है। तो इसके बाद अपन वो सेल्फ फीडिंग वाला बकरा दिखा देंगे और बरबरी दिखा देंगे ठीक है। तो गाइज मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में जब तक के लिए गुड बाय टेक केयर अल्लाह हाफिज़।